आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक जापानीज प्रोवर्ब पे जो मानते हैं, जो बिलीफ रखते हैं कि ऑलवेज हैव अ बिगिनर्स माइंडसेट। जिनका ये यकीन है, जिनका ये मानना है कि बिगिनर्स माइंडसेट से इंसान की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आते हैं और इंसान कामयाब होता है। और ऑलवेज हैव अ बिगिनर्स माइंडसेट से इंसान की इमोशनल, मेंटल और फिजिकल हालत बहुत हद तक ठीक रहती है। और अगर हमको कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, तो इमोशनल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि बिगनर्स माइंडसेट होता क्या है। बिगनर्स माइंडसेट ये होता है कि आप याद कीजिए, इमेजिन कीजिए अपनी ज़िंदगी का वो पहला दिन जब आपने कोई जॉब स्टार्ट की एज ए जॉब होल्डर, या कोई बिजनेस स्टार्ट किया एज ए बिजनेस प्रोफेशनल, या कोई नया कोर्स लिया एज ए स्टूडेंट जिसकी आपको तलब थी, क्यूरियोसिटी थी सीखने की। तो हम पहले दिन कितनी कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग, टाइम पे पहुंचना, इनिशिएट करना हर एक चीज़ में, हर एक को इम्प्रेस करना, अपने बॉस को इम्प्रेस करना, अपने क्लाइंट्स को यहीं से अप्रोच करते रहते हैं। अगर हम नेटवर्कर हो तो हर एक को यहीं से अप्रोच करते रहते हैं। अगर एज ए स्टूडेंट हम उसके बारे में रिसर्च करते रहते हैं जो हमें नया सीखना, मतलब वो बिगिनर्स माइंडसेट होता है हमारा, वो क्यूरियोसिटी होती है, वो तलब होती है नया कुछ सीखने की, नया कुछ करने की, हर एक से अलग करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा बिगिनर्स माइंडसेट होता है। लेकिन हम इंसानों में एक टेंडेंसी है, जितना हम आगे बढ़ते हैं पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में या वर्किंग लाइफ में, हमें एक सीनियरिटी का ईगो आ जाता है। एज ए जॉब होल्डर हम समझते हैं कि मैं मैनेजर बन गया हूँ, बॉस बन गया हूँ, एएसएम बन गया हूँ, सीएसएम बन गया हूँ, या एज ए बिजनेस प्रोफेशनल हमें लगता है कि मैंने अब क्लाइंट्स, अब मैंने नेटवर्क बना लिया, अब मैंने बेस बना ली, हम वो अप्रोच करना छोड़ लेते हैं, हमें वो क्यूरियोसिटी खत्म होती जा रही है। एज ए स्टूडेंट हमें लगता है कि मैंने डिग्री होल्डर बन गया हूँ, अब मुझे नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, वो सीनियरिटी का ईगो से क्या होता है, हमारे अंदर जो हंगर ऑफ हंट होती है, जो भूख होती है, तलब होती है, वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो हमें लगता है कि मैं अब बड़ा बन गया हूँ, हम अपने दिमाग को एक कमांड देते हैं कि मैं बड़ा बन गया हूँ, अब इनको करना है, मुझे थोड़ी करना है। तो हमारे अंदर जो वो हंगर होती है, भूख होती है नया करने की, नई जो सलाहियत होती है हमें नया सीखने की, वो दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। और उससे हमारी एक तो प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी, और उससे हमारी इमोशनल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी खत्म होती जाएगी। एलवन टफल एक फेमस फ्यूचरिस्ट है अमेरिका के, और बुक राइटर भी है, स्पीकर भी है। उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट की, जिस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, द इलिटरेट ऑफ 21st सेंचुरी इज नॉट द वन हु कैन रीड और राइट, बट इज द वन हु कैन नॉट लर्न, रिलर्न एंड अनलर्न। इसको थोड़ा आसान बना लेते हैं। उन्होंने लिखा था 21वीं सदी का अनपढ़ वो कहलाएगा जो पढ़ या लिख नहीं सकता, क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हर कोई पढ़ या लिख भी सकता है, मैसेज भी भेज सकता है। 21वीं सदी का अनपढ़ वो कहलाएगा जिसमें नया सीखने की तलब ना हो, क्यूरियोसिटी ना हो, जिसमें नया सीखने की सलाहियत ना हो। क्योंकि दोस्तों, आजकल की इस चेंजिंग इकोनॉमी में हमें हर दिन नया सीखना है, हर दिन नया अप्रोच करना है, हर दिन नया कुछ सीखना है। एज ए स्टूडेंट मैं कहता हूँ, अगर आप एज ए स्टूडेंट हो तो हर दिन लर्निंग पे ध्यान रखो, क्योंकि लर्निंग ही एट द एंड हमारी अर्निंग होती है, और हमारा इमोशनल, मेंटल और फिजिकल हालत भी बहुत हद तक सही रहता है। जितना कोई इंसान ज़्यादा बिजी होता है किसी काम में, किसी लर्निंग में, उसकी मेंटल हालत भी ठीक रहती है, फिजिकल भी और इमोशनल भी, और उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, और वो कामयाबी हो जाता है, फाइनेंशियल हालत भी ठीक होती जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो किसी हद तक पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना प्लीज़, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना। थैंक यू सो मच। गुड बाय।